अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जुनेद और आप मौजूद हैं मेरे चैनल MJ टैग पर। मैं मौजूद हूँ सऊदी अरब के शहर जद्दा अल हमरा में और पाकिस्तान में मेरा मोबाइलों का काम था। तो मैं आज आपसे अपना यानी ये जो यहाँ का एक्सपीरियंस है ना, वो शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो दोस्त यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का काम के लिए आना चाह रहे हैं ना, तो उनके लिए वीडियो बहुत अहम है। तो मैं सबसे पहले तो आपको अपनी शॉप दिखाता हूँ। ये शॉप है, ठीक है। तो ये है तो दोस्तों, ये यहाँ पे जो भी भाई मोबाइल का काम करने यहाँ पे आ रहा है ना, तो मेरा तो जो एक्सपीरियंस कहता है ना कि वो यहाँ पे ना आए, क्योंकि ये यहाँ पे ना 2015 में कानून यानी कि इन्होंने पास किया था कि गैर मुल्की यानी कि अजनबी मोबाइल यानी कि शॉप पे काम नहीं कर सकता। मोबाइल का काम अगर करता पकड़ा जाता है ना, तो उसे 20,000 ग्राम है यानी कि जो पाकिस्तानी लगभग तकरीबन 10 लाख के करीब बन जाता है। तो हाँ, ये है कि अगर आपका अगर यानी कि यहाँ पे कोई मोबाइलों वाला जानने वाला है अगर, तो वो काम आपको दे देता है रूम में तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं देता तो कल को आपके लिए मसला बनेगा। अब मैंने तकरीबन समझ ले 2-3 माह हो गए यहाँ पे, हर यानी कि सीरिया, जद्दा, अलहमरा, फलस्तीन इशारा, अबहा, खमीस, यानी कि जो अब है ना यहाँ का सऊदी का ठंडा इलाका है, वहाँ पे टोटल यानी कि विज़िट कर लिया मोबाइल शॉप। यानी कि कोई यानी कि ना काम देने को तैयार नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि पता नहीं कोई, क्योंकि यहाँ पे जो एजेंसियों वाले हैं ना, तो उन्होंने पाकिस्तानी भी रखे हुए हैं, तो पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, यानी कि हर मुल्क के रखे होते हैं, कि कहीं ये ना हो हमें रेट यानी कि चेक करने आए हों तो कहीं रेट यानी कि कंप्लेन ही ना करते, उनको ये डर होता है। तो अब मैं जिस शॉप पे हूँ ना, तो यहाँ पे तो मैं लैब तो नहीं मैंने बनाई, मैंने अंदर बैठ के यानी कि काम तो करता हूँ, मगर बाहर वाली साइड पर जहाँ पे कस्टमर बैठते हैं, मैं वहाँ पे बैठ के कोई कस्टमर आता है तो फिर ज़रा अंदर जाके 5-10 मिनट वाला काम हो तो कर लेता हूँ, नहीं तो वो रूम में है। तो मैं आपको अंदर अपनी शॉप विज़िट करवाता हूँ। ये शॉप है, तो ये शॉप है हमारी। और ये मेरा सामान भरा हुआ है रिपेयरिंग का, यहाँ पे मैं बैठ के करता हूँ, छुपा छुपा के, ये सारा सिस्टम है।